कमर्शियल व्हीकल्स का जो मोमेंटम है वो बेहतरीन रहने वाला है, और लगातार यहाँ पर जो तेजी का मोमेंटम पिछले 2-3 महीनों से हमें देखने को मिला है वो इस बार भी सितंबर महीने में जारी रहेगा। इनफैक्ट यहाँ पर उसके बाद अगर आप पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो जिस तरह से चिप शॉर्टेज लगातार पिछले कुछ महीनों से होती हुई दिख रही है, उससे इनके वॉल्यूम्स या जो बिक्री है होलसेल वॉल्यूम्स उस पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा, और इसका इम्पैक्ट जो है आपको इंडियन नंबर्स पर आ सकता है। यहाँ पर अगर आप मारुति सुजुकी के नंबर्स देखें तो करीब 42% की गिरावट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। मंथ ऑन मंथ आधार पर भी लगभग 29-30% की गिरावट इसमें एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा ये एक लीस्ट परफॉर्मर रहेगा, मतलब यहाँ पे जो गिरावट है वो कंपेटिवली बाकी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कम रहने वाली, 12% की ही गिरावट सालाना आधार पर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और मंथ ऑन मंथ आधार पर तो ऑलमोस्ट 3% की गेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट जो टाटा मोटर्स हैं यहाँ पर भी परफॉर्मेंस सालाना आधार पर करीब 11% की तेजी हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। टू व्हीलर्स की बात करें तो यहाँ पर जो बड़ा बेस बना था पिछले साल उसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा, और ऑलमोस्ट या तो फ्लैट या फिर नेगेटिव साइड पर आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस आ सकती है, जिसमें हीरो मोटो का करीब 32% की गिरावट सालाना आधार पर 4,85,000 यूनिट्स पर रह सकती है। साथ ही बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर कंपेरेटिवली बेटर ऑफ द लॉट आपको आते हुए दिख सकते हैं, करीब 4-6% की गिरावट, और जो रॉयल एनफील्ड है आयशर मोटर्स की वहां पर करीब 42% सबसे ज्यादा फॉल, जो प्रीमियम बाइक्स होती है इनकी वहां पर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। कमर्शियल व्हीकल जैसे कि मैं आपको बता रहा था यहां पर मोमेंटम काफी स्ट्रांग लग रहा है, दोनों ही मंथ ऑन मंथ आधार पर और सालाना आधार पर आपको 20% से लेकर 47% की बढ़त इनकी जो बिक्री है सितंबर महीने की उसमें आ सकते हैं, जिसमें आयशर मोटर्स का जो VECV सेगमेंट है वो ऑलमोस्ट 50% की तेजी दिखा सकता है 5150 यूनिट्स पर, और अंत में ट्रैक्टर यूनिट्स यहां पर भी जो टू व्हीलर का बड़े बेस का इंपैक्ट है वो सिमिलर सा रुझान ट्रैक्टर्स में भी आएगा, करीब 18-22% की गिरावट हम सालाना आधार पर दोनों M&M और एस्कॉर्ट्स में लगाकर चल रहे हैं।